हेलो फ्रेंड, दिस इज स्प्राउटेड चना। स्प्राउटेड चना इज हाई इन प्रोटीन, हेल्दी रेसिपी। बॉइल चना फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, देन यू कैन मेक आइदर ड्राई और ग्रेवी वेजिटेबल। इंस्टेंट चना मसाला के लिए जब भी बॉइल कर रहे हैं उसमें ही मैंने नमक, मसाला, हल्दी, ब्लैक पेपर, आपको जो चाहिए वो मसाला, रेड चिली आप डाल सकते हैं। तो ये इंस्टेंट वेजी हो जाएगा। इसमें खाली ओनियन, टमाटो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो भाजी एकदम इंस्टेंट, चना मसाला विल बी रेडी इन एटलीस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बॉइल तो लगेगा, 5 मिनट्स उसमें आप सब इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें ऑयल डालेंगे, तो ऊपर से ऑयल डालेंगे तो वो वगार के जैसे हो गए। इसमें आप देख सकते हैं मैंने ये टोमेटो और ये ओनियन, ये मैंने बॉइलिंग के टाइम ही डाला था। नमक और मसाला, ब्लैक पेपर भी बॉइलिंग के टाइम डाला था। तो ये बाद में खाली इसमें अभी मैं ऑयल डालूँगी। ये ऑयल डालूँगी और इसको स्टीम करूँगी। मैगी मसाला है, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। पोटैटो और थोड़ा सा मैगी मसाला। टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। आप चाहिए तो चना मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये अभी ड्राई चना मसाला मैं बना रही हूँ। आप वैसे उसका पानी वैसे रखेंगे तो वो ग्रेवी हो जाए। चना मसाला रेडी। ये मटकी मैंने पानी में सोक की है, उसके बाद इसका पानी ड्रेन करके इसको ओवरनाइट रखा है छाननी में, जैसे मैंने पहले बताया था। और उसके बाद इसका इसको अच्छे से स्प्राउट्स हो गए हैं, वो वैसे उसके बाद ही ये स्प्राउट बन गए। एंड आफ्टर क्लीनिंग द स्प्राउट यू हैव टू कीप दिस इन छाननी, इसको छाननी भी बोलते हैं या ड्रेनर भी बोलते हैं। इसमें आपको रखना है तो सोक करके धो के उसको छाननी में रखना है। तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स में हो जाएगा। और इंस्टेंट आपको चाहिए तो इसके ऊपर वेट क्लॉथ रखना है तो इंस्टेंट स्प्राउट हो जाते हैं। सकते हैं ड्रेन करने के बाद, तो जब भी पहले सोक करते हैं हम लोग मटकी तो पहले तभी अच्छे से वॉश करके लेना है, और उसके बाद ये स्प्राउट निकलने के बाद एक बार ही वॉश करना है। तो ऑलरेडी वो सोक क्लीन स्प्राउट ही होते हैं, तो एक बार खाली डायरेक्ट वेजिटेबल के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं एक बार वॉश करके। तो ये घर पे आप ऐसे मटकी, चना, मूंग, ऐसे स्प्राउट यू कैन ऐसे आप घर पे भी इंस्टेंट बना सकते हैं। और इसको आप अगर एकदम ही इंस्टेंट बनाना है तो वाइट क्लॉथ में रैप करके आपको बनाना पड़ेगा।